आ जाइए, कहाँ गए, आइए, ये निकल जाइए, इनको ले। ले आओ उसको, 307 वाले को भाई। दुर्गा जी का शॉट बना लीजिएगा, दुर्गा जी ले जाओ। देखे हम वो श्रीवास्तव जी वाला ना, चल कल भाई बढ़िया खबर है। दुर्गेश नाम आपका, ले आओ उसको, 307 वाले को भाई। आज प्रातः काल में थाना कैंट की चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने पिकेट लगा के चेकिंग की जा रही थी, जिसमें चौकी प्रभारी राकेश द्वारा प्रातः काल में एक स्विफ्ट डिजायर जिसके डैशबोर्ड पे पुलिस की पिकअप रखी थी, उस पिकअप को देखते हुए उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी में रोका तो पूछताछ में पाया कि एक गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति का नाम दुर्गेश कुमार था, दुर्गेश कुमार पासी जो खजनी के रहने वाले हैं। बाद में इनसे पूछताछ किया कि ये दरोगा की कैब किसकी है, उन्होंने स्वयं की होना बताया। और बाद में गहन पूछताछ में पता चला कि वो एक फर्जी दरोगा है। और उसके बाद में पूरी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये 2022 में इन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि इन्होंने फर्जी रूप से दरोगा के रूप में इनका रिक्रूटमेंट हो गया है और सीतापुर में इन लोगों ने ट्रेनिंग पा रहे हैं। और उसके बाद में करंटली अपने आप को हापुड़ में पोस्टेड होना बताया। इन्होंने विभिन्न लोगों में इस तरीके से धौंस भी जमाया है और गाड़ी चलाने का काम करते बताते हैं और टोपी को रख के आगे पिकअप को रख के किसी प्रकार का टोल टैक्स वगैरह ना देना पड़े। और समाज में आमजन में अपना दरोगा होने का रौब दिखाने का कार्य करता था, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, यूपी पुलिस का एक आईडी कार्ड और यूपी पुलिस की एक कंप्लीट वर्दी, इतना आइटम है, इसे बरामद किया गया। क्या वजह थी कि दरोगा बना? इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि दरोगा बनेगा, उसने परीक्षा भी लिखी, इसकी पत्नी से इसकी शादी 2021 में हुई है, 2022 की भर्ती में इसने परीक्षा दी, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसने अपने परिवार के प्रेशर में बाद में बता दिया कि मैं दरोगा बन गया और उसके बाद से दरोगा बनने का है वो ढंग करता है। सर वर्दी कहाँ से खरीदी सर? वर्दी इसने सीतापुर से ही खरीदी और आईडी कार्ड भी सीतापुर से ही प्रोक्योर किया। थैंक यू।